गुरुवार सुबह टीकमगढ़ में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर असम पुलिस कोर्ट के आदेशानुसार 4 सदस्यों की टीम पुलिस बल के साथ सर्च वारंट लेकर पहुंची। जैसे ही पुलिस ने घर के अंदर प्रवेश किया, कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह बुंदेला के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में लगभग 4 घंटे तक यादवेंद्र सिंह बुंदेला और उनके परिवार से गहन पूछताछ की गई। पुलिस की पूछताछ के बाद कोई सुराग हाथ नहीं लगा। यह खबर सुनकर उनके समर्थक पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने लगे और उक्त मामले को लेकर पुलिस और भाजपा सरकार की कड़ी निंदा की गई। उक्त मामला किसी कंपनी के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है, जिसमें शाश्वत सिंह बुंदेला के साथ 4 अन्य लोगों के नाम शामिल है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। हमारा असम में आपको 120, 152, 156, 162, 157, 253, 463, 465, 466, 467, 471, 472, 474, 506 और अदर अदर सेक्शन 72 ऑफ द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। इस सेक्शन में आपका 5 आरोपी के नाम पे केस दर्ज हुआ है। कितने आरोपी तो उसका तो नहीं, जहां आपने छापा मारा यहाँ आरोपी कौन है, यहाँ पर आरोपी किसको बनाया? यहाँ में शाश्वत सिंह बुंदेला, उसका नाम पे सार सुवरेंद्र। इस मामले में कितने आरोपी बनाए? क्या है सर मामला, क्या है मैटर, क्या है अभी कहाँ कहाँ रेड गया? वही सेक्शन का वो मैटर है। थोड़ा हिंदी में बताएं, हिंदी में बताएं, हिंदी में मामला क्या क्या है? फौजदारी का मामला ये है, असम में एक मोटोक ऑटोनोमस काउंसिल बोल के उसमें नया काउंसिल फॉर्म हुआ है। इस काउंसिल का कॉन्ट्रैक्ट के नाम में उस आरोपियों ने उसका कॉन्ट्रैक्ट देने के चक्कर में कॉम्प्लेनेंट से उस अमाउंट वो चिटिंग किया है। तो अभी आपने क्या कार्रवाई की है? अभी यहाँ में हम लोग सर्च वारंट जो रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड है उसको सर्च करने के लिए आया था, कुछ पैसा नहीं मिला है। और अभी उसका जो मोबाइल है और उसका पैन कार्ड है, उसका आधार कार्ड है, इस केस के मामले में हम लोग इन्वेस्टिगेशन पर्पज में उसको इंक्वायरी करने के लिए हम लोग गिरफ्तारी वगैरह हुई क्या? सामान वही तीन तो सामान जब्त हुआ। क्या तीन? मोबाइल लिया है? हाँ मोबाइल लिया है और उसका पैन कार्ड और उसका आधार कार्ड, वो हम लोग का केस का इन्वेस्टिगेशन पर फर्म साइड में कुछ दस्तावेज मिले हैं क्या? नहीं नहीं, इसके अलावा आरोपी है और बाहर टीकमगढ़ का नहीं है और बाहर का है। शिकायत किसने की थी? शिकायतकर्ता कौन था? शिकायतकारी है आपका दिल्ली का है, सबरवाल ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी से हाई कोर्ट में है। असम हाई कोर्ट में मामला है कहाँ पे? कोर्ट हमारा अभी असम गुवाहाटी हाई कोर्ट का। कितने वर्ष पुराना का मामला है? किस सन का मामला है सर ये तो आपका 2022 का। तो ये चुनाव में, चुनाव के समय में आप लोगों ने इस मामले को उठाया? सामने में इससे कोई हमारा ताल्लुक नहीं। तो आचार संहिता लगी हुई है और आप लोग अभी चुनाव प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मामला आपकी 2022 का है, तो क्या है राजनीतिक द्वेष नहीं दिखता है? ना ना, ऐसा राजनीतिक वो कॉम्प्लेन अभी 2023 में दिया है, वो तो पहले थ्रोट टू वो लोग का इंसिडेंट जो है 2022 में हुआ है और बाद में जब थ्रोट हुआ है उसके बाद ही एफ आई आर दर्ज हुआ है। करने वाली कंपनी नाम करने वाली कंपनी है तुम बोले असम से होंगे, ये ब्लॉक कंपनी वाली कंपनी जिसमें आरोपी बनाए गए हैं उस कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम तो नहीं है, पर्सन जो है वो लोग क्या है, किस फर्म के नाम से किया? वो मोरन ऑटोनोमस काउंसिल का वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के नाम पे किया है। हमें तो पहले से संभावना थी कि ये लोग इस तरीके की कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये अपेक्षा नहीं थी कि पुलिस असम की आएगी। हमको लगता था कि यहाँ की पुलिस कार्रवाई करेगी। तो क्या था ये पूरा? हमें खुद नहीं मालूम कि क्या मामला था, लेकिन उन्होंने सारी सर्च कर ली, सारी जांच कर ली, उन्हें जो जो जरूरत थी डॉक्यूमेंट वो दे दिए गए। कोई पैसा हुआ बस पकड़ा नहीं गया है, कोई जो है कागज हमारे यहाँ पकड़ा नहीं गया है। पुलिस को जो कार्रवाई करनी थी वो निकल ली। क्या मामला बता रहे हैं दादा? असम पुलिस क्या मामला बता रही है, किस मामले को लेकर सर्च? उन्होंने एक सर्च वारंट दिया है कि वहाँ के मजिस्ट्रेट का एक सर्च वारंट है
और उसके ऊपर हम लोग मतलब पूछताछ करने के लिए आए। दादा जी के एंगल ये आ रहा है कि अपने क्षेत्रीय सांसद के भतीजे असम के डर में आईपीएस है, उनके हिसाब से भाजपा दबाव बनाने के लिए यादवेंद्र सिंह के घर पर छापा डलवा रही है। अब देखो है तो पॉलिटिकल ही, ऐसे कैसे मान ले हम कि जो है हम कभी असम गए नहीं हैं, हमारे कोई परिवार का कोई असम गए नहीं है, तो कैसे हम लोग ये मान लें कि वहाँ पे हमने कोई अपराध कर दिया, वहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई कर दी जिसके कारण जो है अभी तक उनने कुछ नहीं बताया। सर्च वारंट उन्हें दिया है तो हम अभी आपको उपलब्ध करा दें। सर्च वारंट आपके नाम का है कि हमारे नाम के नाम सांसद के नाम का है? हमारे नाम का, हम असम ही नहीं गए आज तक तो। देखिए ऐसा है, पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की दमनकारी नीति चल रही है उसी के तहत ये टीकमगढ़ में हम देख रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के कार्यकर्ता कुछ भी पता नहीं कि क्या चल रहा है। इस प्रकार की जो दमनकारी नीति है ये सोची समझी रणनीति है, चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल को बिगाड़ने का ये काम किया जा रहा है। अब भी हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करी है और जैसी हमारी बात होती है तो हम फिर से आपके पास आएंगे, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को किसी को कुछ पता नहीं। नहीं, दूसरा जी ये सवाल उठ रहा है कि जो असम कैडर की पुलिस है उसमें वहाँ पर अपने क्षेत्र के भतीजे हैं आईपीएस जी, उनके आदेशानुसार कार्रवाई हो रही दबाव बनाने की। देखिए इसके पहले भी कोई कार्रवाई हो सकती थी, चुनाव सिर पे है तो आज कार्रवाई हो रही है, कुछ भी नहीं है, सब गलत। अगर ये चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के लोग डर रहे हैं इस मामले से कि यादवेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है और इस प्रकार की इस कार्रवाई का एक एक कार्यकर्ता विरोध करेगा। अगर कुछ था तो ये पहले आप ऐसा निर्णय करते, सूचना देते, कुछ भी नहीं हुआ। आपने आए और आप आगे कार्रवाई करने लगे। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग कांग्रेस के शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए हम लोग इस बात को शांति से देख रहे हैं कि आपको कानूनन जो भी करना है आप करिए, लेकिन हम लोग गुस्सा इस बात से हैं कि ये कार्रवाई अगर आपको करना थी तो आप पहले करते, अब जबकि टिकट डिसाइड हो गया ये क्या है। इस प्रकार की कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं के साथ की जा रही है, हम इसका पुरजोर विरोध भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। और आने वाले समय में अगर कांग्रेस को रोड पे उतरना पड़ेगा तो हम लोग रोड पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।